everyone, welcome to exam Kabila tutorials. आज मैं 13 मार्च 2016 के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी. ये कैटेगरीज की लिस्ट है जो इस सेक्शन में कवर होगी. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए का स्टेट बजट पेश किया? करेक्ट आंसर है 40,422 करोड़. इस बजट का मेन फोकस एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन एम्पावरमेंट पे था. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उत्तराखंड की फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा हृदेश, चीफ मिनिस्टर श्री हरीश रावत और कैपिटल है देहरादून. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स किस राज्य में इनॉग्रेट किए हैं? करेक्ट आंसर है बिहार. इन रेलवे प्रोजेक्ट्स की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 7200 करोड़ रुपीस है. इन रेलवे प्रोजेक्ट्स के नाम हैं पटना रेल कम रोड ब्रिज, मोकामा डबल लाइन रेलवे ब्रिज, मुंगर रेल कम रोड ब्रिज. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार की कैपिटल पटना, रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुरेश प्रभु. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी बेस्ड लाइटिंग प्रोग्राम का क्या नाम है? करेक्ट आंसर है उजाला. उजाला एक डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम DELP है जो कि 12 राज्यों के 120 शहरों में सक्सेसफुली चलाया जा रहा है. उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, जिसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है. EESL अब तक 7.47 करोड़ LED बल्ब्स देश में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है, जिससे प्रतिदिन 2.66 करोड़ किलोवाट की एनर्जी सेव हो रही है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर पीयूष गोयल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने रेडार से बच निकलने वाले कितने युद्ध पोत के लिए 13,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं? करेक्ट आंसर है 7. इन 7 रेडार से बच निकलने वाले युद्ध पोतों का निर्माण डिफेंस शिपयार्ड के द्वारा नेवी के लिए किया जाएगा, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया गया है. इसके साथ ही भारत में निर्मित 244 एयर डिफेंस गन्स का निर्माण एयरफोर्स के लिए किया जाएगा, जिसके लिए 7200 करोड़ का बजट अप्रूव किया गया है. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर परिकार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट किस साल तक सभी राशन की दुकानों को कंप्यूटराइज कर देगी? करेक्ट आंसर है मार्च 2017 तक. गवर्नमेंट राशन दुकानों पर होने वाली चोरी और अनफेयर प्राइसिंग को चेक करने के लिए PDS सेक्टर को कंप्यूटराइज करेगी, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा. PDS की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. PDS को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली के अर्बन एरियाज में PDS को आधार से लिंक किया जाएगा और यहां पर इसकी सक्सेस के बाद पूरे देश में इसे एक्सटेंड किया जाएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट, फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की फॉरेन मिनिस्टर ने भारत का दौरा किया? करेक्ट आंसर है मैक्सिको. मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर का नाम है क्लाउडिया रुइज मासियो. मैक्सिकन फॉरेन मिनिस्टर और सुषमा स्वराज, जो कि भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, के बीच बायलेटरल मीटिंग हुई. क्लाउडिया रुइज ने 22nd साबरू हाउस लेक्चर डिलीवर किया, जिसका टॉपिक है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको इंडिया रिलेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी, करेंसी है पैसो, प्रेसिडेंट है इनरिक पेना नियेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉर्मली अडॉप्ट करने वाली कौन सी कंपनी दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? करेक्ट आंसर है इंडिया INC, UNGCNI, जिसकी फुल फॉर्म है
यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया, ये एसडीजी की एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। एसडीजी की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। यूएन के द्वारा एसडीजी के 17 गोल सेट किए गए हैं। इसके साथ ही यूएन के द्वारा एमडीजी, जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट ग्रोथ कहते हैं, उसके लिए 8 गोल सेट किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ने निम्न में से किसके लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में रिलैक्सेशन दे दिया है? करेक्ट आंसर है स्टार्टअप्स, एमएसएमईज। एमएसएमईज की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या है। अप्रैल 2015 से सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को अपनी आवश्यकता का कम से कम 20% माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदने के निर्देश दिए गए। तो अब इस रिलैक्सेशन के बाद स्टार्टअप्स, एमएसएमईज भी इस 20% मैंडेटरी पब्लिक प्रोक्योरमेंट में शामिल हो जाएंगे, यदि उनकी गुड्स और सर्विसेज टेक्निकली और क्वालिटी वाइज स्पेसिफाइड नॉर्म को पूरा करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्टर कालराज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ फिजी के लिए भारत का अगला हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है विश्वास विधु सापकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपब्लिक ऑफ फिजी की कैपिटल सुवा, करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो के लिए भारत का अगला एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है अनिल वधवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो की कैपिटल सैन मैरिनो, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ कोट डिवोर के लिए भारत का अगला एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है आर रविंद्र। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोट डिवोर की कैपिटल यामो ओ साउक्रो, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात विद्वानों को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर और महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया गया? करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा प्रख्यात विद्वानों को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अरेबिक और पारसियन भाषा के लिए साल 2014 के लिए यह अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सम अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हाल ही में बेंगलुरु में हनी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के द्वारा इंटरैक्टिव वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे कि पेपर वर्क को रिड्यूस और टाइम को सेव किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।